नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गिरिडीह जेल से 7 माह छूटने के बाद घर लौट रहे दो बंदियों की गिरिडीह डुमरी रोड पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना गिरिडीह डुमरी रोड के पीरटांड थाना के कुम्हार लालो और नारायणपुर गाँव के बीच हुई। गाँव निवासी 45 वर्षीय सुरेश साहू और 55 वर्षीय मंगल महतो शामिल है। इन दोनों के साथ इनका तीसरा साथी रेवत महतो भी जेल से मुक्त हुआ था। तीनों बाइक से गांव जा रहे थे। सुरेश और मंगल की बाइक कंटेनर से जा टकराई, इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा साथी रेवत ने स्थानीय लोगों की मदद से पीरटांड पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार रेवत और दोनों मृतक दो बाइक से गिरिडीह जेल से निकलने के बाद वापस रोशन सिंघा गांव अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब मृतक सुरेश और मंगल महतो कुम्हार लालो और नारायणपुर के समीप पहुंचे तो कंटेनर डुमरी की ओर से आ रहा था। इसी नारायणपुर के समीप कंटेनर ने सुरेश और मंगल की बाइक को टक्कर मार दी, इससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि इनका तीसरा साथी रेवत इनके पीछे चल रहा था। तीनों ने मियांघाट सांप्रदायिक दंगा के केस में 7 माह से जेल में बंद थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।